छोड़ा गया। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, मैनेजर मैम, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज माही जोशी एंड आई एम गोइंग टू टेल अबाउट अ टॉपिक माउंटेन सॉइल। This soil is formed of clay, sandstones and pebble and has a large content of humus. It is mainly found in the mountain of Himalayan region. It is good for growing apple, apricot, rice, etc. By cutting step into the slope of hills, crops like wheat, maize, rice, potato are also grown. This is called terrace farming. Thank you and have a nice day. माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टी भारत में हिमालय के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है जिसके कारण यहाँ सेब, नाशपाती, चाय की खेती होती है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, मैनेजर मैम, टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अनुष्का यादव। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट एलुवियम सॉइल। दिस सॉइल फॉर्म बाय डिपॉजिट ऑफ फाइन सेंटिंग आर सैंड ड्रोथ बाय रिवर फॉलोइंग डाउन द हिमालय। This soil is very fertile and found in the northern plain and coastal plain. Almost all the grow light wheat, rice, maize, cotton, sugarcane, oilseed, etc. are grow in the soil. Thank you. Have a nice day. अल्यूवियल सॉइल काप मिट्टी जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तर भारत के मैदान और तटीय क्षेत्र। इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फोस्फोरस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। गुड मॉर्निंग स्पेक्टेड मैनेजर सर, मैनेजर मैम, पेरेंट, टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज मिसिंग। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट ब्लास्ट सॉइल। दिस सॉइल इज मेड ऑफ वेल्थ एंड इट लावा, इट इज अ डार्क और ब्लैक इन कलर एंड हैज क्वालिटी ऑफ रिटेन मोस्ट एवरी ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। इट इज मेनली फाउंड इन द डिटैन प्लेट्यू रीजन। इट इज थली इन नेचर। It is very good for growing cotton, sugarcane, onion, wheat and some fruit. Thank you. Have a nice day. ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, ये मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी की सबसे अधिक विस्तार है। ये बहुत ही उपजाऊ और कपास की उपज के लिए प्रसिद्ध है। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति होती है। इस मिट्टी में गन्ना, केला, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, मैनेजर मैम, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षय यादव। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लैटेराइट सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड एंड रीजन वेयर इट द हिल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर पैल्यूट एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हॉर्ड। इट इज लेस फर्टाइल। टी, कॉफी, रबर एंड कोकोनट ग्रो इन दिस सॉइल एंड आल्सो यूज्ड टू मेक ब्रेक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लैटेराइट सॉइल, ये मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ भागों में, असम आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिण भारत में मैदानी भागों में इस पर धान की खेती होती है और ऊंचे इलाकों में चाय, रबर तथा सिंकोना उपजाए जाते हैं। ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लैटेराइट मिट्टी ही होती है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, मैम, टीचर, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज दिव्यांशी सिंह। आई स्टडी इन क्लास थर्ड। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रेड सॉइल। दिस सॉइल फॉर्म फ्रॉम रॉक लाइक ग्रेनाइट एंड रॉक हैविंग प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, दस इट्स कलर इज रेडिश। दिस इज फाउंड हॉट एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ द साउथर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द इंडियन पेंसुला। इट कैन बी मेड पर्टी बाय adding fertilizers। minor crops like jowar, bajra, ground nuts, tobacco can be grown in the soil। thank you and have a nice day।
रेड सॉइल लाल मिट्टी, ये मिट्टी चट्टानों के टूट फूट से बनती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखता है। मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पश्चिम बंगाल और मेघालय में मुख्य रूप से पाई जाती है। Good morning, respected managers, sir, manager, ma'am, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Vaishnavi Anshul. I study class 4. I am going to tell you about my type of soil. Type of soils in India, 6 type of soils are found. A variety of crops can be grown different type of soils. Thank you, have a light. Good morning, respected manager, sir, manager, ma'am, parents, teachers, and all my dear friends. My name is Khushbu Yadav. I am going to tell about desert soil. This soil is sandy and mainly found in the Thar desert of Rajasthan and some part of Gujarat. If cannot hold water also, it is not fertile, but crops can be grown with the help of irrigation and fertilizer. Crops, leaf, rice, date, maize, millet, bajra are grown in this soil. Thank you. Happy nice day. Good morning, respected manager, sir, manager, ma'am, parents, teachers, and all my dear friends. My name is Shukra Shep. I am going to tell about sandy soil. It is made of sand. It is mostly found in the desert or on the surface. It is grey or brown in color, and it is organized matter. It cannot hold, but still it is very useful. It is mixed with cement for making building. Thank you and have a nice day. डेजर्ट सॉइल और सैंडी सॉइल का निर्माण पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। राजस्थान, दक्षिण पंजाब, गुजरात का कच्छ में इसका विस्तार है। यहाँ ज्वार, बाजरा, सरसों एवं मोटे अनाज की खेती की जाती है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, मैनेजर मैम, पेरेंट, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड। माय नेम इज़ हर्षित यादव। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट सॉइल इरोजियन। As soil is highly important resource for us, loss of soil or lack in it fertility greatly affect the growth of plants and crops and in turn the life of living habitants on earth. Thank you, have a nice day.